की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? इससे पहले कि मैं कुछ लाभ कुशाई करूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस बारे में हमें आज मदद किया है कि इस बारे में अपने ख्याल रखने का कि बनिहाल में म्यूनसिपलिटी का क्या रोल है। देखने में आ रहा है कि जिस कदर भी यहाँ बनिहाल में हम नजर दौड़ाएंगे, आगे पीछे बाजार में किसी भी गली में जाएं, किसी महल में जाएं, यहाँ गंद इतनी गंद फैली हुई है कि इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है जितना होना चाहिए था। ये मानते हैं कि कुछ चीज़ आती हैं उसको साफ रखने में, लेकिन जिस कदर यहाँ इस वक्त ये COVID-19 फैली हुई है थ्रूआउट वर्ल्ड और ख़ासकर बनिहाल भी जो इफेक्टेड रहा है, तो इस बारे में सेफ्टी का और क्लीनस का खास ख्याल रखना था। लेकिन देखने में लग रहा है रोज़ ब रोज़ इसमें इजाफा ही हो रहा है, कहीं मतलब सफाई का नाम नहीं है। और कहीं अगर मुफसलात से या देहातों से कोई लोग यहाँ आते जाते हैं उनके लिए इवन मतलब कहीं अगर वो पेशाब या दूसरी कोई हाजरवाई के लिए जाएंगे तो उनके लिए कहीं सहायता नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मतलब इस मतलब उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, अस्पताल जाएं, कहीं भी जाएं, जहां पर भी देखें, जहां पर भी जितने भी मतलब गलियों को आप खुद मुआयना करेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह गंद ही गंद पड़ा है और इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इससे वबाई बीमारी भी फैलने की मतलब एक सिविल हो सकती है। आप यहाँ मेन बाजार मतलब बैंक के आगे जो पुल है उसके नीचे आप देखें, वो पुल उसके साथ देखें कितनी गंद पड़ी है, ये सारा नाला जो है गंद से और गलाजत से जो भी लोगों का सड़ा हुआ माल जो कुछ निकलता है वो सब कुछ जमा होकर यहाँ सफाई का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए यहाँ के बड़ी डिमांड है, बल्कि मैं पुरजोर अपील करता हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि इसकी तरफ ध्यान देकर यहाँ सफाई का इंतजाम कराएगा। शुक्रिया। इनके हवाले से अगर हम कहेंगे तो खास कोई काम नहीं हुआ, दिखावे के लिए बहुत फोटोग्राफी और ये सैनिटाइजेशन वगैरह स्प्रे बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत होता था। मैंने खुद बड़ी दफ़ा देखा है कि एक ही जगह जाके गाड़ियों के वो टायरों पे कभी गलियों में वो धुआं शुआं कुछ करते थे, तो सफाई सुथराई के लिहाज से बहुत नाकस कारकर्दगी है। मुझे नहीं लगता हमें इधर बीच बाजार में पुल के साथ में गंदगी का ढेर है, हुकाम को वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, सफाई सुथराई बिल्कुल सिफर के बराबर है। इस वबाई बीमारी में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सफाई की, तो सफाई के मामले में हम मुतमईन नहीं हैं। अस्पताल गली है, इधर पार्क है, मस्जिद का एरिया है, बस स्टैंड है, ये सारी चीज़ें मेन मरकज़ी इसका किरदार है, तो सफाई यहाँ नहीं है, इससे हम मुतमईन नहीं हैं। जो पैंडमिक आजकल चल रहा है, हमें इस दौर में अपने इर्द गिर्द सफाई का सबसे पहले खास ख्याल रखना था, लेकिन आज हम ऐसा देख रहे हैं। अगर हम बाज़ार की बात करें, आप देख रहे हो बाज़ार में कितनी गंदगी है, नालियों में सफाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद गर्दा कितना है, लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। तो इसलिए मेरी इंतज़ामिया से अपील है, अगर हम यहाँ गलियों की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, या उसके बाद यहाँ पार्क की बात करें, हर जगह जो है गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमसे पहले भी लोगों ने बोला कि कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, लोग जहाँ भी गंदगी उठाते हैं कभी नालियों में डालते हैं, तो हमारी इंतज़ामिया से अपील है इसकी तरफ तवज्जो दीजिए।